जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज आपके लिए लेके आए हैं मार्कोनिकोव रूल एंड रेजियो सेलेक्टिविटी। तो आइए जानते हैं कैसे मार्कोनिकोव रूल दिखाता है रेजियो सेलेक्टिविटी। मार्कोनिकोव रूल इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। मार्कोनिकोव रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। When HX added to an unsymmetrical alkene, then hydrogen gets attached to the carbon having higher number of H atoms, while X part goes to the carbon having least number of H atoms. यहाँ पे HX हमारा HBr या HI या HCl भी हो सकता है। आप जानते हैं कि मार्कोनिकोव रूल में अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराते हैं, जहां पर हाइड्रोजन जो होता है वो उस अनसेचुरेट कार्बन पे जाता है जिस पर कि एच का नंबर ज़्यादा होता है, लेकिन जो हमारा नेगेटिव पार्ट होता है एक्स या बी आर माइनस, वो उस कार्बन पे जाके कंबाइन होता है जिस पर कि एच नंबर सबसे कम होते हैं। आइए इसको एग्जांपल की हेल्प से क्लियर करते हैं। यहाँ पे हमने अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया है। ये मस्ट कंडीशन है मार्कोनिकोव रूल के लिए कि वहाँ पे एल्कीन हमारा अनसिमेट्रिकल और हमारा जो रिएजेंट है वो भी अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन इसलिए है कि यहाँ पे अगर आप इस कार्बन डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो दोनों तरफ आपको दो पार्ट जो हैं वो इक्वल नहीं मिलेंगे, अनइक्वल मिलेंगे, इसलिए ये एल्कीन अनसिमेट्रिकल कहलाता है। जब यहाँ पे HBr का ऐड करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो दो तरह के बनते हैं, दो आइसोमर बनेंगे आपके ब्रोमोप्रोपेन के, एक में 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा और एक में 1 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा। ये वाला मेजर है और ये वाला माइनर है। देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल में दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर है एक माइनर है। तो मेजर जो है वो प्रीडोमिनेंट करता है ओवर द माइनर, और जब हम लोग इसको स्टडी करते हैं तो ये कहलाता है रेजियो सेलेक्टिविटी। मार्कोनिकोव रूल प्रिडिक्ट्स रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ HX एडिशन टू अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। अभी आपको बताया था, इन दिस रिएक्शन 2 और मोर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स आर ऑब्टेन्ड बट वन ऑफ देम प्रीडोमिनेंट्स, दैट व्हाई इट इज नोन एज रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। यही आपको ऊपर बताया था कि यहाँ पर दो आइसोमर बनेंगे लेकिन उनमें से एक मेजर होगा दूसरा माइनर होगा। जब हम लोग ये स्टडी करने जाएंगे कि मेजर वाला ज़्यादा क्यों बनता है तो ये कहलाती है रेजियो सेलेक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन। अब ये रेजियो सेलेक्टिविटी हम लोग क्लियर करते हैं मैकेनिज्म की हेल्प से। आपको देख के आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हैं। पहले स्टेप में जो होगा हमारे एच पार्ट का एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा, तो उसके लिए दो पॉसिबिलिटी है कि पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो या तो इस तरफ चले जाएं या इस तरफ चले जाएं। हम लोग यहाँ पहली पॉसिबिलिटी के थ्रू जाते हैं। तो आप देखते हैं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन पे कंबाइन हो जाएगा और बनने वाला इंटरमीडिएट कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। क्लियर है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाए तो इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से एच पॉजिटिव इस पे कंबाइन हो जाएगा, बॉन्ड सिंगल हो जाएगा और कुछ ये ऐसा दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटी से, फर्स्ट से और सेकंड से, दो इंटरमीडिएट बनते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों कार्बोकैटायन हैं और पहली पॉसिबिलिटी से जो हमारा इंटरमीडिएट बनता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद एच के कंबाइन होने के बाद वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन देता है, और जो हमारा सेकेंड पॉसिबिलिटी से एच का एडिशन होने के बाद इंटरमीडिएट बनता है वो प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन को अगर देखें तो टर्शियरी सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंडरी उससे कम होता है, प्राइमरी सबसे कम होता है। और अभी आपने मैकेनिज्म में देखा कि वहां पे आपके दो कार्बोकैटायन बने थे सेकेंडरी और प्राइमरी, तो आप ही डिसाइड कर लीजिए कि दोनों में से कौन सा स्टेबल होगा। सही कहा आपने, सेकेंडरी कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल देन दैट ऑफ प्राइमरी कार्बोकैटायन। तो वहां पर मैकेनिज्म में जो हमारा स्टेप वन है वो ज्यादा होगा, इजीली होगा देन दैट ऑफ सेकेंड स्टेप। थर्मोडायनेमिक फैक्टर फेवर्स द मार्कोनिकोव रूल रिएक्शन टू प्रोसीड वाया मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। जानते हैं कि किसी भी रिएक्शन के लिए दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक हमारा होता है थर्मोडायनेमिक फैक्टर और दूसरा होता है हमारा काइनेटिक फैक्टर। यहाँ पर मार्कोनिकोव रिएक्शन में जो हमारा थर्मोडायनेमिक फैक्टर होता है वो ये कहता है कि भाई अगर आपकी रिएक्शन में स्टेबल इंटरमीडिएट बन रहा है तो रिएक्शन उसके थ्रू ही ज्यादा जाती है, क्योंकि बच्चों जो हमारा इंटरमीडिएट स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है। यहाँ पे आप
इस ग्राफ के अंदर देख सकते हैं, एक एक्सिस पे हमने एनर्जी बैरियर लिया हुआ है, एक तरफ हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया हुआ है। तो देखिए ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्कीन था और ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल आया पहले स्टेप में। तो आप जानते हैं कि अभी मैकेनिज्म में देखा था आपने, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, तो दोनों पॉसिबिलिटी से आपने प्राइमरी कार्बोकोटाइन और सेकेंडरी कार्बोकोटाइन बनाया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सेकेंडरी कार्बोकोटाइन बनाया उसको बनने के लिए भी कम एनर्जी चाहिए, और जो हमारा इंटरमीडिएट हमारे हाथ में आया है उसकी एनर्जी भी प्राइमरी कार्बोकोटाइन से कम है। और आप जानते हैं कि जिसकी एनर्जी कम होगी डेट विल बी मोर स्टेबल, डेट्स वाई थर्मोडायनेमिक फैक्टर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकोटाइन एंड मार्कोनिकोव्स रिएक्शन प्रोसीड्स वाया डेट मोर स्टेबल कार्बोकोटाइन। इसीलिए बच्चों मार्कोनिकोव्स में दो आइसोमर बनते हैं, जो स्टेबल इंटरमीडिएट होता है, जो स्टेबल कार्बोकोटाइन होता है उससे हमारा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ज्यादा बनेगा, लेकिन जो लेस स्टेबल हमारा कार्बोकोटाइन होगा उससे हमारा प्रोडक्ट माइनर बनेगा, कम बनेगा। एंड दिस स्टडी इज नोन एज रेजियो सेलेक्टिविटी इन मार्कोनिकोव्स रिएक्शन। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा।